हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सभी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर लीजिए, आप लोगों को एग्जामिनेशन क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मेरे बारे में देख लीजिए। मेरा सिलेक्शन वर्क ऑफिसर की पोस्ट पर हुआ है, यूपीपीसीएस 2017 वाले एग्जामिनेशन में। मैं एक ऑनलाइन कंटेंट राइटर एंड डेवलपर भी हूँ, मैं एडुकेटर भी हूँ अनएकेडमी पर। उसके अलावा मैंने कई एग्जामिनेशंस क्लियर कर लिए हैं। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप लोगों को वैल्यू एडिड कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही प्रोवाइड करा दिया है। टेलीग्राम चैनल पर हम जो भी कंटेंट पोस्ट करते हैं उसकी पीडीएफ भी पोस्ट करते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एयू ह्यूम आ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। जो हमारे एयू ह्यूम थे, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, वॉज एक्सेप्टेड एज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चीफ ऑर्गेनाइजर की तरह एक्सेप्ट कर लिए गए थे, उन्हें स्वीकृति दे दी गई थी बाय द लीडर्स ऑफ दैट टाइम। उस समय के कांग्रेस के लीडर्स ने एयू ह्यूम को एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा क्यों किया गया था? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस? आप लोग के सामने चार ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि एयू ह्यूम को एज अ चीफ ऑर्गेनाइजर क्यों एक्सेप्ट किया था कांग्रेस के लीडर्स ने। तो ध्यान से देखिए, चारों ऑप्शंस में से आंसर बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड द ऑफिशियल हॉस्टिलिटी एट अर्ली एज। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स है वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो कि अपने शुरुआती दौर में है, अभी अभी बनी है, और ब्रिटिशर्स उसके खिलाफ हो जाएं, उसके अगेंस्ट एक अनफ्रेंडली बिहेवियर करने लगे, उसे सप्रेस करने लगे। ऐसा कांग्रेस के लीडर्स नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एओ ह्यूम को एक चीफ ऑर्गेनाइजर की तरह एक्सेप्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, इनमें से कौन से एक्ट ने मेड प्रोविजन टू ग्रांट परमिशन टू द क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी थी, परमिशन प्रोवाइड की थी फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए, क्रिश्चियन रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए कौन से एक्ट ने परमिशन प्रोवाइड करी थी? आप लोग के सामने चार ऑप्शन से जल्दी से आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 1813 के चार्टर एक्ट में तीन चीजें आई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। पहली थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई थी ट्रेड को लेकर, सिर्फ दो एक्सेप्शंस बचे थे, टी में ट्रेड और चाइना में ट्रेड। उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई थी कि वो इंडिया में रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये था कि एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। तो आप लोगों को मैंने सभी चार्टर एक्ट्स करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी इज क्रेडिटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वर्क्स। इनमें से कौन से डेवलपमेंट कार्यों के लिए लॉर्ड डलहौजी को श्रेय दिया जाता है? तो आप लोग के पास तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को देखकर आप लोग आंसर कीजिए।
पहला स्टेटमेंट है लेइंग ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड ठाणे, बम्बई और ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन बिछाने का। दूसरा स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, भारत में टेलीग्राफ लाने के लिए। तीसरा स्टेटमेंट है सेटिंग अप अ सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में किसी ने एक अलग से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेटअप किया था, बनाया था। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। लॉर्ड डलहौजी ने पहली रेलवे लाइन बिछाई थी इंडिया में बम्बई से ठाणे के बीच में, स्टेटमेंट वन सही है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इंडिया में लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही लाया गया है, स्टेटमेंट टू भी सही है। और एक सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी लॉर्ड डलहौजी ने ही सेटअप किया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदर अली के बारे में पूछा है, विद रेफरेंस टू हैदर अली। हैदर अली के बारे में आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। पहला स्टेटमेंट है ही इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज एंड न्यू स्केल्स ऑफ वेट एंड मेजर्स इन मैसूर। उन्होंने कॉइनेज, वेट्स एंड मेजर्स का नया सिस्टम लाया था मैसूर में। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें किसने करी थी? टीपू सुल्तान ने करी थी, हैदर अली ने नहीं करी थी। न्यू कॉइनेज सिस्टम, वेट्स एंड मेजर्स का जो नया सिस्टम था वो टीपू सुल्तान लेकर आए थे, हैदर अली नहीं लेकर आए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है ही एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्सेनल एट दिंडीगल। उन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल की स्थापना करी दिंडीगल में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एक्सपर्ट्स। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हैदर अली ने एक मॉडर्न आर्सेनल खोला था दिंडीगल में फ्रेंच की मदद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, इनमें से किन कारणों की वजह से लॉर्ड वेलेजलीज एक्सपेंशन पॉलिसी वॉज स्टॉप्ड। लॉर्ड वेलेजली की जो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ा रहे थे, उनकी ये पॉलिसी खत्म कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। तो आप लोग के सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंशन थ्रू वॉर वॉज कॉस्टली। लड़ाई लड़कर जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था वो महंगा पड़ रहा था एंड वॉज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी के जो प्रॉफिट्स थे, कंपनी का जो मुनाफा था वो कम हो रहा था। तो फ्रेंड्स जनरली भी देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, नेपोलियन वॉज अ मेजर थ्रेट इन यूरोप एट दैट टाइम। उस समय पर यूरोप में नेपोलियन एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका था। तो फ्रेंड्स दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड देखेंगे तो वो हमारा 1798 से लेकर 1805 तक है, और उस टाइम पर ही हमारा नेपोलियन भी यूरोप में इमर्ज हो गया था और वो बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ था। नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में वाटरलू की बैटल में। उससे पहले नेपोलियन यूरोप में वॉर कर रहा था और सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ था। तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी उनके रिगार्डिंग आप लोगों को आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज मेड लैंड ऑल ओवर द कंट्री सेलेबल एंड मॉर्गेजेबल। लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज की वजह से जो लैंड थी पूरे देश में खरीदी जा सकती थी, बेची जा सकती थी और गिरवी भी रखी जा सकती थी। तो फ्रेंड्स पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिटिशर्स की जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज थी उनका एक एम ये भी था कि वो लैंड में प्राइवेट प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकें, जिससे क्या होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर पाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, लैंड रेवेन्यू वॉज पीरियोडिकली रिवाइज्ड इन रैयतवाड़ी एरियाज। रैयतवाड़ी एरियाज में लैंड रेवेन्यू को पीरियोडिकली रिवाइज किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, बट वॉज फिक्स्ड इन परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सिस्टम। लेकिन ये फिक्स था परमानेंट सेटलमेंट में और महलवाड़ी सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? मैंने आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो आप लोग इस स्टेटमेंट को इजीली पहचान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। देखिए, दो एरियाज में लैंड रिवेन्यू को पीरियोडिकली रिवाइज किया जा सकता था, रैयतवाड़ी एरियाज में और महलवाड़ी एरियाज में लैंड रिवेन्यू को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट एरियाज में लैंड रिवेन्यू फिक्स था, उसे कभी भी रिवाइज नहीं किया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट 3, एरियाज कवर्ड बाय महलवाड़ी सिस्टम इंक्लूड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस। महलवाड़ी सिस्टम में जो एरियाज आते थे वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के एरियाज थे, पंजाब था और बनारस था। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बनारस कौन से एरिया में पड़ता था? बनारस आता था परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, महलवाड़ी सिस्टम के अंडर में बनारस नहीं आता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वन ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यूरोपियन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस इन इंडिया। आप लोगों को ये पेयर्स देखने हैं और आप लोगों को बताना है कि कौन से करेक्टली मैच हैं। फ्रेंच, चंदागौर, पोर्चुगीज, गोवा। तो फ्रेंड्स, फ्रेंच की फैक्ट्रीज चंदागौर में थी, पोर्चुगीज की गोवा में थी। ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ये दोनों गलत हैं। देखिए, ये उल्टे मैच कर रखे हैं। डेनिश की थी सीरामपुर में और डच की थी पुलिकट में। डेनिश की दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्रीज थी, सीरामपुर एंड ट्रैंक्यूबार। तो ये उल्टे मैच कर रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 एंड 2 ओनली। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि किस किस यूरोपियन पावर की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पर लगाई गई थी, जैसे कि फ्रेंच की पौंडीचेरी, माहे, जिंजी, चन्नागौर, इन सब जगह लगाई गई थी। इसी तरीके से आप लोग को सबकी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू हंटर कमीशन ऑफ 1882 एंड 1883। फ्रेंड्स, जो हमारा हंटर कमीशन आया था 1882 1883 में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और उसके बाद आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज अपॉइंटेड टू एनक्वायर इन टू द स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू आउट द इंडियन एम्पायर। ये इसलिए अपॉइंट किया गया था कि इंडियन एम्पायर में, इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन किस तरह से पढ़ाई जा रही है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हंटर कमीशन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही चुना गया था। इसमें बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस था। फ्रेंड्स, इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो वुड्स डिस्पैच आया था वो सही से इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में या फिर नहीं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वॉज अपॉइंटेड टू एनक्वायर इन टू द जनरल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। मैंने आप लोग को पहले स्टेटमेंट में ही बता दिया, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इंडियन यूनिवर्सिटीज की वर्किंग के बारे में इसका कोई लेना देना नहीं था। इंडियन यूनिवर्सिटीज की कंडीशंस क्या थी, ये जानकारी लेने के लिए ये नहीं बनाया गया था। इसका जो एम था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में ही था। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट 3। इट प्रपोज्ड सेपरेट डिवीजन फॉर लिटरेसी एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट C बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 सही कैसे हो जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया, इसका एम था प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस था।
प्राइमरी एजुकेशन में ये देख रहा था कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्राइमरी एजुकेशन दी जा रही है या फिर नहीं, और प्राइमरी एजुकेशन को ट्रांसफर कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स के पास। सेकेंडरी एजुकेशन में इसने दो डिविजन्स प्रपोज किए थे, एक तो था लिटरेरी और एक था वोकेशनल। लिटरेरी में मतलब जो आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, और जो वोकेशनल डिवीजन था जो लोग जॉब लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पर्टिकुलर स्किल्स की। तो स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के ये सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज रेट एंड रिव्यू भी जरूर कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँ तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यू एडेड कंटेंट लेकर आती रहूँ। थैंक यू सो मच।